नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप Realme के डिवाइस या फिर Android 10 के ऊपर किसी भी डिवाइस से अगर आप किसी को भी कॉल करते हैं तो आपको वहाँ पर जो है, अगर आप उसके ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो उसे वहाँ पर पता चल जाता है कि आप उसका कॉल जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसे एक ऑडियो सुनाई देता है ताकि उसे पता चल जाता है कि आप उसका कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप अगर उसका कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उसी मेथड के बारे में, जिससे आप जो है अपने स्मार्टफोन के अंदर इस तरीके से आप इसे कैसे बाईपास कर सकते हैं और इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी भी कॉल को अपने स्मार्टफोन के अंदर, जहां पर आपको ये ऑडियो को सुनाई देता है। अब आप इस ऑडियो को स्टॉप कर सकते हैं, ये ऑडियो आपके स्मार्टफोन में नहीं सुनाई देगा और आप किसी का भी कॉल आसानी से अपने स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और एक एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च बार पर टाइप करना होगा कॉल रिकॉर्डिंग, और यहाँ पर आपको कई सारे एप्लीकेशंस नज़र आएंगे। तो नीचे में आपको एक एप्लीकेशन दिखेगा कॉल रिकॉर्डर ऑटो रिकॉर्डिंग, इसका लोगो आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, एंड इंस्टॉल करने के बाद एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। एप्लीकेशन का इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, देन आपको सारे परमिशंस को अलाउ कर देना है, और यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा तो आप उसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट ऑन रहेगा तो आपको एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर शो होगा। नीचे में आपको इनेबल इस तरीके से शो होगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए, एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से सेटिंग्स ओपन होगा। देन आपको यहाँ पर कॉल रिकॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है। कॉल रिकॉर्डर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर से इसे ऑन कर देना है अगर आपका ये ऑफ रहेगा तो। उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप आ जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। अगर आपको इस तरीके से शो हो तो ऊपर में आपको कंटिन्यू टू ऐप पर क्लिक करना है, और अगर आप सेटिंग में यहाँ पर एक बार जाकर चेक कर लेंगे, अगर आपका यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग ऑफ है तो आप वहाँ से उसे ऑन कर लीजिए, और उसके बाद आपका यहाँ पर जो हो चुका है सारा चीज़ ओके, एंड अब आप यहाँ पर से आसानी से रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको यहाँ पर जो ट्राई करके दिखाते हैं। आपको हमारे स्मार्टफोन का स्क्रीन यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, तो चलिए इसके ऊपर मैं आपको एक कॉल करता हूँ, और कॉल करके आपको यहाँ पर जो उसे प्रूफ करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं हमारे स्मार्टफोन के ऊपर कॉल आया, मैंने कॉल को रिसीव किया और स्पीकर पर ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से पता चल पाए। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर से रिकॉर्डिंग ऑन किया और यहाँ पर ऑडियो जो है सुनाई दिया। अगर यहाँ पर से मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ तो आपको देख सकते हैं इस तरीके से हमें फिर से ऑडियो सुनाई दिया। चलिए कॉल को डिसकनेक्ट कर देते हैं, और इस तरीके से अगर आपको स्क्रीन शो हो डैट मीन्स आपका जो है रिकॉर्डिंग वो बैकग्राउंड वाले एप्लीकेशन में हो रहा था। अगेन यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर कॉल करके दिखा देता हूँ स्मार्टफोन में, एंड अभी यहाँ पर जो है हमारा जो एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया वो बैकग्राउंड में हमारा जितना भी कॉल आएगा उसको रिकॉर्ड करता रहेगा। आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ आपके कॉल को रिकॉर्ड करेगा, और जब कॉल आएगा तभी यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन एक्टिव होगा। मैंने कॉल को रिसीव किया और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, रिसीव करने के बाद आप सिंपली बात कीजिए, और देख सकते हैं ऊपर में आपको नोटिफिकेशन में शो हो रहा है कि हमारा कॉल जो रिकॉर्डिंग हो रहा है। अगर आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप पर भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो प्ले लास्ट कॉल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप उसे सुन सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कोई भी ऑडियो यहाँ पर उस तरीके से क्लिप नहीं सुनाई दिया है। 100% वर्किंग मेथड है, आपके स्मार्टफोन में 100% वर्क करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मैंने बहुत ही ईजी मेथड में आपको बताया कि आप अपने स्मार्टफोन से किसी का भी कॉल कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस टूल को बाईपास कैसे कर सकते हैं। आई होप आपका ये ट्रिक काम आया हो और आप इस ट्रिक को यूज किए हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना।